गुजरात से अवैध तरीके से अमेरिका जाने के चक्कर में 9 लोगों के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये सभी 7 महीने पहले अहमदाबाद से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, लेकिन इतने दिनों के इंतजार के बाद अमेरिका नहीं पहुंचने पर 9 लापता लोगों में से एक की पत्नी ने साबरकांठा पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। गुजरात में कबूतरबाजी का एक और बड़ा कांड क्या सामने आ रहा है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात से अमेरिका जाने में 9 गुजरातियों के लापता होने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुछ महीनों पहले भरत का संपर्क महसाणा में रहने वाले दिव्यश उर्फ मनोज पटेल और अहमदाबाद में रहने वाले महेंद्र के साथ हुआ। इन दोनों ने भरत रबारी को विश्वास में लेकर वर्क परमिट वीजा पर अमेरिका जाने के लिए 70 लाख की रकम तय की। इसके लिए 20 लाख रुपए एडवांस में देने की बात कही, शेष रकम अमेरिका जाकर कमाई कर देने का कहा था। भरत ने अमेरिका जाने के लालच में 20 लाख की एडवांस राशि दे दी। हालांकि भरत को अहमदाबाद एयरपोर्ट से 8 अन्य लोगों के साथ विमान में अमेरिका भेजने की बजाय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, पोर्ट ऑफ स्पेन व इसके बाद डोमिनिका, वेस्ट इंडीज तक ले जाया गया। હકીકત માં એવું પણ જાણવા મળેલું છે કે માત્ર ભરતભાઈ એકલા નથી, પણ અન્ય બીજા 8 લોકો જે છે એ પણ એમની સાથે છે એવું પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળેલું છે। એટલે આપણે જે છે એ લોકો કોણ છે, એમના સગા સંબંધીઓનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે અને એમની જોડેથી હાલ અત્યારે વિગત મેળવવાનું ચાલુ છે કે એ જે છે એ એમની જોડે કઈ રીતે જે છે આ વસ્તુ બની છે અને એમનો સંપર્ક કઈ રીતે થયો અને એમણે કઈ પ્રોસેસ થકી આ નક્કી કરેલું હતું। एजेंट का संपर्क करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद भरत की पत्नी ने प्रांतीय थाने में दिव्यश पटेल तथा महेंद्र पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जो 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनमें कलूल, महसाणा, सरघव, हेडुआ, उत्तरसंडा, वडनगर के रहने वाले लोग शामिल है। हालांकि अभी इस मामले में भरत रबारी की पत्नी चेतना रबारी ने ही प्रांतीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।